दोस्तों आपने साल 2000 में आई फिल्म मेला तो देखी होगी, जिसकी कहानी में गांव का गुंडा एक लड़की से शादी करने के लिए उसके परिवार को मार देता है, उसे बंदी बना लेता है, पर वो उसके चंगुल से भाग जाती है और दो लोगों से मदद लेती है जो आपस में दोस्त होते हैं। इसी दौरान उनकी दोस्ती की परीक्षा भी होती है। इस फिल्म की इसी कहानी को दर्शकों ने पसंद किया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे, जिनमें से आप आमिर खान की पत्नी किरण राव और रीना दत्ता के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बाकी कलाकारों के बारे में तो नहीं जानते ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, हम बताते हैं ना आपको। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, फैजल खान। इस फिल्म में शंकर बाने का किरदार अभिनेता फैजल खान ने निभाया, जो किशन प्यारे का दोस्त होता है और उसके साथ रूपा की मदद करता है। इस किरदार को उन्होंने अच्छे से निभाया, दर्शकों ने इस किरदार को काफी पसंद किया। लेकिन अगर बात करें कि रियल लाइफ पत्नी की, तो आपको बता दें इन्होंने शादी नहीं की है, इसकी वजह इनकी बीमारी है। दरअसल इन्हें सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, इसी बीमारी का इलाज कराते कराते इनकी शादी की उम्र भी निकल गई। नंबर 4, ट्विंकल खन्ना। इस फिल्म में रूपा का किरदार ट्विंकल खन्ना ने निभाया था, जिसे गांव का गुंडा गुज्जर अपने चंगुल में ले लेता है, लेकिन वो भाग जाती है, जिसके बाद ये किशन और शंकर से मदद लेती है, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया। लेकिन अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम तो आप जानते हैं, अक्षय कुमार, जिनसे इन्होंने 2001 में शादी की। आज इनके दो बच्चे हैं, आरव और नितारा। आपको बता दें इनके पति भी एक अभिनेता है, जो हमेशा समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर फिल्म बनाते हैं, जिनमें केसरी, मिशन मंगल, एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। वर्तमान में अपनी आने वाली फिल्म सूर्यवंशी और लक्ष्मी बॉम्ब की शूटिंग में बिजी है। ये दोनों फिल्में सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। नंबर 3, तन्वी आजमी। गोपाल की मम्मी का किरदार अभिनेत्री तन्वी आजमी ने निभाया, जिनके बेटे को गुज्जर मार देता है और वो सदमे में पागल हो जाती है, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया और अपने किरदार से लोगों में फेमस हो गई। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम सैयद बाबा आजमी है, जिनसे इन्होंने 1980 में शादी की। आज तक दोनों साथ हैं। आपको बता दें इनके पति पेशे से एक सिनेमाटोग्राफर है, जो फिल्मों में डायरेक्टर को आने वाले सीन के बारे में बताता है। इन्होंने अकेले हम, अकेले तुम, प्यारी बहना, बेटा और इश्क जैसी फिल्मों में बतौर सिनेमाटोग्राफर काम किया। नंबर 2, अनिरुद्ध अग्रवाल। अभिनेता अनिरुद्ध अग्रवाल ने इस फिल्म में काली का किरदार निभाया, जो गुज्जर का एक गुंडा होता है। उसे रूपा को पकड़ने का काम दिया जाता है, जिसे पूरा करने में हर बार वो नाकाम रहता है। फिल्म में इनका किरदार नकारात्मक था, जिसे इन्होंने अच्छे से निभाया। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मीनाक्षी अग्रवाल है, जिनसे इन्होंने लव मैरिज की। आज भी दोनों साथ है। आपको बता दें इनकी पत्नी हाउसवाइफ है और घर में रहकर ही परिवार का ख्याल रखती है। नंबर 1, टीनू वर्मा। इस फिल्म में खलनायक गुजर का किरदार अभिनेता टीनू वर्मा ने निभाया, जो रूपा को पसंद करने लगता है और उससे जबरदस्ती शादी करने के लिए बंदी बना लेता है, जिसके चलते उनके भाई को भी मार देता है। इन्होंने इस किरदार को अच्छे से निभाया और प्रसिद्ध हो गए। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम वीना वर्मा है, जिनसे इन्होंने अरेंज मैरिज की। आज भी दोनों साथ हैं। इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ है और घर में इनका ख्याल रखती है। तो दोस्तों, आपको इन सभी कलाकारों में किस कलाकार की रियल लाइफ पार्टनर के साथ इनकी जोड़ी अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।